रीवा जिले के जबा थाना अंतर्गत अकौरी गांव से सामने आई है, जहां एक वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें वीडियो में दबंगों के द्वारा पहले गाली गलौज फिर महिला के साथ मारपीट करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी शिकायत जबा थाने में दर्ज कराई गई है, जहां पर फरियादिता शैल कुमारी पांडे पति अनिरुद्ध प्रसाद पांडे उम्र 30 वर्ष निवासी अकौरी थाना जबा रीवा के द्वारा हमराह अपनी माँ पुष्पा देवी तिवारी एवं अपने भाई विजय तिवारी के साथ जबा थाने में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लिखवाई है, जहां दिनांक 20/5/2024 को सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास अपने खेत में महुआ के पेड़ के पास थी। उसी समय जमीनी विवाद को लेकर गांव के ही रामप्रिया गौतम तथा अनिल मिश्रा उसे माँ बहन की भत्ती भत्ती गालियां देने लगे, तो वहीं पर गाली देने से मना किया गया पीड़िता के द्वारा, तो रामप्रिया हाथ में लिए डंडा से मारपीट करने लगा। देखते ही देखते मेरी माँ पुष्पा देवी बीच बचाव करने आई, तो उसको भी श्री चंद्र गौतम ने फावड़े से, वहाँ पर फावड़े का जो बेंत होता है उससे मारा। वहीं पर खड़ा राजेंद्र गौतम भत्ती भत्ती गालियां दे रहा था, तब तक में विवेक गौतम और विनय गौतम भी आए और मुझे हाथ मुक्का से मारने लगे, पीड़िता को मारने लगे। हल्ला गुहार सुनकर वहां पर मुकेश मिश्रा विजय तिवारी ने आकर बीच बचाव किया, तब वे सभी लोग जान से खत्म करने की धमकी भी देते हुए चले गए। मारपीट से बाएं हाथ की कलाई में तथा दाहिने हाथ की कलाई में खरोचदार चोटें आई हैं तथा बाएं गाल में दर्द है, तथा बताया जाता है कि उसकी माँ पीड़िता की माँ पुष्पा देवी की पीठ में भी चोट लगी है। फरियादिता की रिपोर्ट के आधार पर जबा थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 294, 323, 506 एवं 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। उक्त मामले में फरियादिता का कहना है कि जबा पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए साधारण मामला दर्ज किया है, जबकि दबंगों द्वारा अमर्यादित हरकत कर लिपट कर पटक पटक कर मारपीट की है, जिसका वीडियो भी वायरल किया गया है और थाना प्रभारी को दिखाया गया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक रीवा से उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यही होगा कि जबा थाने में महिला को न्याय मिलेगा या फिर पहले की भांति जबा पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेगी। ये कल एक शिकायत भी आई थी और थाने में उसके बाद फिर हमें एक वीडियो भी मिला है, और जिसमें एक महिला के साथ मारपीट की जा रही है, जिसमें महिला की तरफ से हमने 5 लोगों के खिलाफ इसमें FIR किया गया है और FIR के बाद उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और जहां तक मामला है, अभी तक जो समझ में आ रहा है कि भूमि संबंधी कुछ विवाद चल रहा था दो परिवारों के बीच में, उसके बाद उस महिला के और उन व्यक्तियों का विवाद हुआ और उसके बाद उनके इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है और उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर,
रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9963136257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।